हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमने करनी है क्लासिक, जिसके अंदर करंट वरंट की बिल्कुल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, जो उसके अंदर दिक्कत आ रही है। इग्निशन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, कस्टमर हमें काफ़ी कुछ बोल रहा है, पर एक बार जाके चेक करते हैं। उसने कहा कि हमने सर्विस वर्विस कराई है गाड़ी की, तो सर्विस कराने के बाद ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। हमने कहा चलो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, हमारी गलती है कि क्या गलती है। चलिए आइए दिखाते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्लासिक, इसमें भी इग्निशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा, तो चेक करते हैं इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम। कुछ नहीं आ रहा मीटर में, बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसको खोलते हैं, चेक करते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं आ रहा इसका इग्निशन वगैरह। कि ले आए इसकी बैटरी टॉर्चर करने के लिए, पहले टॉर्चर करके एक बार चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर इससे आ जाता तो ठीक है, बैटरी ख़राब होगी तो इसकी वायरिंग वायरिंग चेक करेंगे, नहीं तो फिर मेन हथियार हमारा यही है। वैसे पूरी गाड़ी चेक करने के लिए हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले। निकालो उसको, प्रॉब्लम देखिए कहाँ थी। कस्टमर लेके आया इसको धक्का मार के गाड़ी को, प्रॉब्लम थी सिर्फ बैटरी ख़राब थी इसकी, और कोई इशू नहीं। लोग चेक नहीं करते ना सबसे पहले, ये खोल वो खोल, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खोल देंगे, फिर कहेंगे हाँ भाई अब तो ये दिक्कत रही बैटरी की। चलो चेक करते हैं, एक बार लगाई लिए तो एक बार चार्जर भी लगे, आज चेक कर लेते हैं इसका। ये लगाया हमने एम्पेयर मीटर, ये तो हमारी बैटरी का करंट आ रहा है इसके अंदर, जो हमने बैटरी लगा रखी है। ये एकदम करंट तो एकदम फर्स्ट क्लास है, चार्जर वगैरह सब बढ़िया है इसका, ख़राब क्या है इसकी बैटरी। तो लोग बोलते हैं कस्टमर को कि बैटरी नहीं डलेगी इसकी, बैटरी नहीं डलवाएंगे इसकी, हमारी तरफ से तो ओके है गाड़ी। कस्टमर हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा था कि अभी अभी सर्विस करा के गए हैं आपसे तो ये प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर, गाड़ी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, पर कस्टमर को ये नहीं पता कि उसकी बैटरी ही ख़राब है, तो हमें ब्लेम कैसे करेंगे।